जश्न के साथ नए साल की दस्तक हुई और नए साल के साथ देश में नए नियमों का आगाज भी हो गया है। आज से टैक्स, रेलवे और बैंक से जुड़े कई नियम बदल गए हैं, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। इस नए साल की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जीएसटी कम होने से कई चीजें और सेवाएं सस्ती हो गई हैं। मूवी देखने जाने वालों के लिए नया साल बड़ा तोहफा लेकर आया है, क्योंकि फिल्म का टिकट सस्ता जो हो गया है। दरअसल 22 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल ने 17 वस्तुओं और 6 सेवाओं पर जीएसटी की दरें घटा दी थी। नई दरें आज से लागू हुई हैं, जिसके तहत 32 इंच का टेलीविजन और मॉनिटर स्क्रीन सस्ता हो गया है। मूवी टिकट, टायर, स्पेयर पार्ट्स, लिथियम आयन बैटरी वाली पावर बैंक, डिजिटल कैमरा, वीडियो गेम कंसोल जैसे सामान सस्ते हो गए हैं। जीएसटी से जहां कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, वहीं आज से कार खरीदना महंगा भी हो गया है। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, टोयोटा, हुंडई सहित बजट सेगमेंट की लगभग सभी कारें महंगी हो गई हैं। इन ऑटोमोबाइल कंपनियों ने नए साल में कारों की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया था, जिसके बाद ये कार 40,000 से 50,000 तक महंगी हो गई है। से गाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में बीमे की रकम 1,00,000 से बढ़ाकर 15,00,000 रुपए तक कर दी गई है। इसके लिए IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को सर्कुलर जारी किया था। पिछले साल तक दो पहिया वाहन के मामले में 1,00,000 और कमर्शियल या प्राइवेट कारों के मामले में 2,00,000 रुपए मिलते थे। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का इनकम टैक्स रिटर्न अब तक नहीं भरा है, तो आपकी जेब पर आज से बड़ी चपत लगने वाली है। अब रिटर्न भरने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। 31 दिसंबर 2018 तक जुर्माने की ये रकम 5,000 रुपए थी। आज से पुराना मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला डेबिट और क्रेडिट कार्ड बेकार हो गया है। आज से EMV चिप वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड ही चलेंगे। साथ ही वो चेकबुक भी आज से बेकार हो गई हैं, जिसमें CTS 2010 नहीं लिखा हुआ है। आज से स्टेट बैंक ने होम लोन के नियमों में भी बदलाव किया है। 31 दिसंबर तक होम लोन के लिए अप्लाई करने पर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं भरनी होती थी, लेकिन आज से प्रोसेसिंग फीस लगनी शुरू हो जाएगी। नए साल में किन्नरों यानी थर्ड जेंडर को रेलवे ने तोहफा दिया है। आज से ट्रेन टिकट बुक कराने पर थर्ड जेंडर्स को अब 40% की रियायत मिलेगी। रेलवे ने थर्ड जेंडर को टिकट बुकिंग में सीनियर सिटीजन की तर्ज पर छूट देने का फैसला किया है और आज से इसे लागू करने का सर्कुलर जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।